يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 29/4/2020 رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ احکام اور مسائل پر مشتمل یہ درس ہے. آج کے درس کا موضوع ہے صیام کے آداب. سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ، رب کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں ایک طرف فرضیت صیام کے تعلق سے ہمیں آگاہی عطا فرمائی، وہیں دوسری طرف تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. گویا کہ صائم، روزہ رکھنے والا شخص اس بات کی طرف خاص دھیان اور توجہ دے کہ روزے کی مشروعیت ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ہوئی ہے، آخر کیا چیز اس کے پیچھے مقصود ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. جب تک یہ حقائق ذہن نشین نہیں ہوں گے اور اسے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ذرائع اور اسباب و وسائل مہیا نہیں ہوں گے، مقصد کے حصول میں وہ ناکام رہے گا. لعلکم تتقون کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عظیم الشان مقصد کا یہاں پر ذکر فرمایا. اس فریضے کے پیچھے ایک عظیم الشان مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کر سکو. تقوی یہ انسان کی زندگی کے اندر ہر پل ہر لحظہ اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو انسان ناکام ہے. مسلمان کی زندگی کے تمام ہی اوقات میں تقوی کی عظیم الشان صفت جڑی رہنی چاہیے، اور تقوی وقایہ سے ہے جس کے معنی ہیں بچاؤ. انسان اپنے نفس کا بچاؤ کرے تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے، ہلاک ہونے سے، نقصان میں پڑنے سے، اذیت اور دکھ اور تکلیف سے، ان تمام چیزوں سے جو دنیا اور آخرت
दोनों जहान में उसके लिए खसारे का बाइस बन सकती हैं। आखिरत में रब्बे करीम के गज़ब से, उसके आज़ाब से, जहन्नम से और हर तरह के दुख और तकलीफ़ से, यह बचाव जो तक्वा के मफहूम में पाया जाता है, जिसके दो अहम अरकान हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक रुकन इंसान की ज़िंदगी में नहीं है तो तक्वा नाम की चीज़ उसके पास नहीं है। पहला रुकन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन को बजा लाना, और दूसरा रुकन जिन चीज़ों से वो मना करता है उन चीज़ों से बाज आ जाना। रब क्या चाहता है उनको इख्तियार कर लेना, क्या नहीं चाहता है उन चीज़ों से बचना। रब की पसंद क्या है वो अपनी पसंद बन जाना। रब करीम की नापसंद क्या है वो अपने नज़दीक मबगूज और नापसंदीदा चीज़ों में से करार पाना। ये कैफियत जहाँ बहुत सारे आमाल के ज़रिए से इंसान को हासिल होती है, उसके दिल व दिमाग मुअत्तर होते हैं और उसकी ज़िंदगी के अंदर ये कैफियत उसके बेशतर अवकात में रवा दवा होते हैं, उनमें सरे फहरिस्त सियाम और रोज़ा ये किरदार हुस्न व खूबी निभाता है। साइम जब वो हालत सियाम से है तो ये इबादत उसे इन अहम उमूर की निशानदेही भी करती है, याद भी दिलाती है और उसके लिए नफा बख्श किरदार अदा करती है। हालत सियाम में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करता है, उसकी नज़दीकी चाहता है, रब्बे करीम से वो अपने दरमियान के फासलों को समेटते हुए करीब से करीबतर होने की कोशिशों में होता है, जो ज़ाहिरी और मानवी हर तरह के शहवात से अपने आप को दूर करके ही मुमकिन था, और सियाम ने इस फासले को मुख्तसर कर दिया। चुनाचे खाने पीने की शहवत, इंसान की चाहत और जिनसे मुखालिफ की तरफ मैलान की चाहत, जिसे पिछले किसी दर्स के अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि इंसान के अंदर एक सिफत होती है, सिफत बहीमियत, उसकी नफ्स बहीमियत का शिकार होती है, और बहीमियत के अंदर दो अहम बाब हैं जो इंसान के अंदर बहुत ही आला दर्जे के दाखिल हो जाते हैं, पाए जाते हैं, और दोनों का ताल्लुक इंसान के निचले हिस्से से है, पेट और शर्मगाह से है। अल्फमु वल फर्ज, अल्फम वल फर्ज, ये जो इंसान के पेट और नीचे के हिस्से से मुतालिक इंसान की अपनी चाहतें, इंसान के अपनी आरजुएं इस ज़िंदगी के अंदर उसे शाहराह से हटाकर नापसंदीदगी के रास्ते पर ले जाने का ज़रिया और सबब बनती हैं, सियाम ने इन्हीं दोनों बुनियादों पर कारी ज़र्ब लगाया। चुनाचे खाने और पीने की सारी चीज़ों को हराम करार दे दिया।
ताकि जैसा कि मसल है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, उन असबाब को ख़त्म कर दिया जिन असबाब के ज़रिए से इंसान के अंदर ये तुगयानियत आ सकती थी, ये सरकशी आ सकती थी, उस रास्ते ही पर पहरे बिठा दिए। और याद रहे कुछ चीज़ें हैं कि अगर इंसान के अंदर उसमें कसरत पाई जाए तो इंसान सरकशी की तरफ मायल हो जाता है, या सुस्ती और काहली की तरफ लौट जाता है। वो क्या है? कसरत उत्ताम, ज़्यादा खाना, और कसरत नौम, ज़्यादा सोना, और कसरतुल कलाम, ज़्यादा बोलना। तो ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी ज़्यादती इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। उसके अंदर की जो सिफात पाई जाती हैं वो सिफात उसकी ज़िंदगी के लिए तबाह कुन असरात लेकर के आती हैं। ज़्यादा खाने की सिफत, ज़्यादा सोने की सिफत, ज़्यादा बोलने की सिफत। आप शरीयत इस्लामिया के उसूल और हिकमतों को अगर देखें तो वो इन तीन रास्तों पर पहरे बिठा करके रखी हुई है। कहा गया मिन हुस्न इस्लाम अल-मर तरकुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि वो उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ ना रखे जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीज़ों से अपनी कोई दिलचस्पी ही ना रखे। जो ला यानी है, यानी जिसका उसकी ज़िंदगी से कोई लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत, अल्लाह पर आखिरत के दिन पर जो शख्स ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात बोले या खामोशी इख्तियार करे, पहरे बिठाए। और ऐसे ही मा मलअ आदमियुन विआअन शर्रम मिन बतनी, किसी भी इंसान ने किसी भी बर्तन को अपने पेट से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं भरा। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके लिए बेहतर यह है कि वो उतना खाए कि जिससे अपनी पीठ को सीधी रख सके। ये सब तालीमात दरअसल इसलिए हैं ताकि इसकी तुगयानियत से इसके अंदर पाए जाने वाले शर और फसाद से इंसान को महफूज रखा जा सके। इस्लाम एतदाल का हुक्म देता है, तवस्सुत का हुक्म देता है, न ही पूरे तौर पर मुबाह चीज़ों से मना करता है और न ही मुकम्मल तौर पर उसमें इन्वॉल्व होने की इजाज़त देता है। वो दरमियानी दर्जे से चीज़ों को इख्तियार करने की तरफ लोगों को आमादा करता है। तो ये एक अहम अदब है जो हर साइम की ज़िंदगी में ख़ास तौर से आनी चाहिए कि तक़वा की सिफत सियाम के रास्ते से, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक अहम तरीन ज़रिया बनाया है, तो ये उसकी ज़िंदगी में आए, उसका वजूद हो, उसके असरात हों, वो उन्हें महसूस कर रहा हो, उन्हें पा रहा हो। इन्हीं अदाब में से एक अदब ये है कि इंसान रोज़े रखता है, रात में क़याम करता है और बहुत सारे खैर के आमाल इन मुबारक अय्याम में अंजाम देता है,
ये सारे के सारे काम और रब की रिदा के लिए करें। ये अहम तरीन आदाब में से एक अदब है और इसे कहा जा सकता है कि आदाब वाजिबा में से, कि इन सारे कामों को वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिदा और उसकी खुशनुदी के लिए अंजाम दें। दुनियावी मकासद में से कोई मकसद इन सारे कामों के पीछे कहीं भी नज़र ना आए, ना तो तिलावत कुरान के पीछे, ना ही सियाम व क़याम के पीछे और ना ही जूद व सखा के पीछे। जो भी अच्छे और भले काम वो इन मुबारक अय्याम में अंजाम दे सके अपने नियतों को साफ सुथरी रखते हुए, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा का पैकर बन सके कि हमें किसी से कुछ भी मतलूब नहीं है, कुछ भी ख्वाहिश नहीं है। तो अगर वाकई उसकी दिल की आवाज़ है तो इख़लास मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाब ग़फ़र लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। ईमान के साथ और सवाब के इरादे से, कोई और मकसूद नहीं है, एहतिसाब सवाब के इरादे से रोज़ा रमज़ान के रोज़े अगर वो शख्स रख रहा है, और इसी तरीके से मनकाम रमज़ान क़याम क़याम रमज़ान भी अगर वो सवाब के इरादे से कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये रमज़ान मुबारक के अहम और वाजिबी आदाब में से एक अदब है। इसी तरीके से आदाब में से एक अदब ये है कि इंसान हर उस चीज़ से अपने आप को दूर करे, उन चीज़ों से अपने आप को बचाए जो सियाम के साथ मेल न खाएं, जो सियाम के साथ रोज़े के साथ मेल न खा सके। सियाम क्या चाहता है वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएँ, उसके तकाजे क्या हैं वो हमारी ज़िंदगी में आएँ। सियाम किन चीज़ों को नहीं चाहता है ऐसी चीज़ों से बचें। सियाम के तकाजे किन किन चीज़ों से दूरी बनाने के हैं ऐसी चीज़ों से हम दूरी बनाने की कोशिशें करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। जो शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े और जहालत की चीज़ों को पूरे तौर पर अपने से दूर न करे तो खाना और पानी को छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसे भूखा रखने के पीछे कोई और मकसूद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शख्स से कि वो अपने आप को भूखा और प्यासा रखे। कोई गोया कि भूखा और प्यासा रखना फी नफ्स ही मकसूद नहीं है कि इंसान अपने नफ्स को अजाब दे, तकलीफ़ दे, उसे दुख और अजियत में मुब्तला कर दे भूख और प्यास के ज़रिए से, बल्कि उसके पीछे कुछ अजीब मकासद हैं। वो मकासद अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो हमारे सियाम के पीछे जो मकसूद है वो हासिल नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो रोज़े के तकाजे से मेल नहीं खाती। रोज़ा हमसे क्या चाहता है और ये किस तरह के सिफात और आमाल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोज़िट हैं। सियाम हमसे ये चाहता है कि हम अपने नफ्स को रोकें, अल इमसाक
रोकें, उन चीज़ों से रोकें कि जो अच्छी और बेहतर खसलत ना हो, अच्छे आदात ना हो, उन चीज़ों से अपने आप को रोकें, दूर करें और दूरी बनाएं। क्योंकि सियाम की जो मशरूईयत है वो नफ्स को पाक साफ बनाने के लिए है। सियाम की जो मशरूईयत हुई है वो तहदीब नफ्स के लिए है, नफ्स को मुहज्जब करने के लिए है, नफ्स को पाकीज़ा बनाने के लिए है, नफ्स के अंदर पाई जाने वाली कमियों को, गंदगी को, मैल कुचैल को, हर तरह के बोग़्ज़, नफ़रत, कीने, कपट, ये जैसा भी मैल उसके अंदर पाया जा रहा है ज़ाहरी और मानवी, इन सारी चीज़ों से उस नफ्स को पाक करने के लिए सियाम को मशरू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और इसलिए मशरू अल्लाह ने किया सियाम को ताकि खैर का आदि उस नफ्स को बनाया जाए, इसलिए सियाम को मशरू करार दिया गया। तो अगर खैर के कामों की चाहत और लगन उस दिल का हिस्सा नहीं बन सकती तो सियाम के पीछे का जो अजीम मकसूद है वो उस बंदे को हासिल नहीं हो सका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सियाम के पीछे हमसे क्या चाहता है? इस सियाम के पीछे चाहता है कि हम अपने दिल दिमाग को पूरे तौर पर हर तरह की गंदगियों से पाक व साफ कर सकें और खैर नाम की चीज़ों को उस नफ्स के अंदर, उस दिल के अंदर जगह दे सकें। और सिर्फ जगह ही ना दें बल्कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को चाहने लगें। खैर की चीज़ें उस दिल के अंदर करार पाने के लिए बेताब हों और वो दिल उन खैर की चीज़ों को तलाश कर कर के एक एक को अपने अंदर जगह देने के लिए बेकरार हो। तो सिर्फ दिल को खाली करना मकसूद नहीं है गंदगी से, कि गंदगी से दिलों को पाक और साफ कर दिया जाए, ये फी नफसी ही मुकम्मल मकसूद नहीं है, ये आधा है, इसको सफाई कह सकते हैं। आधा ये है कि उसके अंदर खैर की चीज़ों को जगह दें, खैर से उसको आबाद करें, क्योंकि खाली दिल खाली नहीं रहता, खाली दिल खाली नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई बसेरा करता है। तो अगर किसी ना किसी को बसेरा करना है तो क्यों ना हम अच्छी और भली चीज़ों को, अच्छे भले आदात को, अच्छे भले खसाइल को वहाँ बसेरा करने के लिए हम दावत दें ताकि बुरी चीज़ें वहाँ ना आ सकें, गलत चीज़ों को वहाँ आने की जगह ना मिल सके। एक शायर कहता है, अतानी हवाहा कबल अन आरिफल हवा फसाद फ़लबन फारिगन फतमक्कना। फलां की मोहब्बत हमारे दिलों तक आई और उस दिल में जगह बना ली, फलां की मोहब्बत हमारे दिलों तक आई और दिल के अंदर उसने जगह बना लिया। कैसे जगह बना लिया? साद फ़लबन फारिगन, जिस दिल के पास वो पहुंची वो दिल खाली था। तो खाली जगह में आना और ठहरना ये आसान होता है, खाली दिल पा करके वो वहाँ पे रुक गई। खाली दिल पा करके अगर वो दिल मशगूल होती, जगह ना होती, तो आ करके वो वापस जाती। आप एक बॉल जो खेलते हैं, आप किसी मजबूत चीज़ पर, दीवार पर फेंकें, पत्थर पर फेंकें, तो क्या बॉल उस दीवार से जा करके वहीं रुक जाएगा? वापस आ जाएगा हर वो चीज़। लेकिन अगर आप मिट्टी में फेंकें उसको, जो मिट्टी एकदम नरम मुलायम किस्म की हो, एकदम क्या करेगी वो मिट्टी? जगह दे लेगी अपने अंदर, वहाँ उसके अंदर गुंजाइश, तो जहाँ गुंजाइश मिलती है वहाँ वो जगह बना लेती है। फतमक्कना, इसलिए उसने जड़ पकड़ लिया।
तो फी नफ्स ही मकसूद ये नहीं है कि दिलों को गंदगी और हर तरह की नजासत से और हर तरह के बुरे अखलाक और किरदार से, हर तरह के मैल कुचैल से, इंसान बुग़्ज़ नफ़रत से दिलों को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करे। ये आधा अधूरा मकसूद है। मकसूद कामिल तब होता है जब उस दिल को आबाद कर सकें, उसके अंदर खैर के जज्बात को बेदार कर सकें। और ये हमेशा हमेशा के लिए बेदारी नहीं रहती, जब तक कि बार बार बेदार करने की कोशिशों के सिलसिलों को कायम न रखा जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, बतौर फ़र्ज़ कर दिया। तो बार बार आप उसके अंदर ये बेदारी पैदा करते रहें, सुबह और शाम दुआएं करते रहें, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, सोने के अज़कार, खाने के अज़कार, बैठने के अज़कार, मुख्तलिफ मुनासिबत के अज़कार। ये इसलिए ताकि याद दहानी के सिलसिले कायम रहें। कहीं उस जगह बसेरा करने के बाद वो सुस्त और गाफिल न पड़ जाए। जो मकसूद है खैर की आदत डालने और उसको ज़िंदा रखने का, वो मकसूद पूरे तौर पर हासिल हो सके। और ये काम तब मुकम्मल होगा जब बुराई के रास्तों पर पहरे बिठा दिए जाएं। यानी दिल से खाली कर लिया गया और दिल में पाकीज़गी आ गई और वहाँ अच्छी आदतें और खसलतें बिठा दी गई और उनको परवान चढ़ाने के लिए कोशिशों और याद दहाने के सिलसिले जारी हो गए, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। काम मुकम्मल तब होगा जब गलत रास्ते से गंदगी के आने का इम्कान बाकी रहे। बुराइयों के रास्ते जब तक खुले हैं, अखलाक बुरे अखलाक और मुनकरात के रास्ते जब तक उसके सामने खुले हुए हैं, जब तक वो पूरे तौर पर सेफ नहीं है, तो उसे बार बार तंबीह की जा रही है कि खैर की इन चीज़ों को अपनाओ, पर इनसे होशियार रहो, इनसे बेदार रहो, इनसे दूरी बना करके रखो। वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन। जो बुरे काम हैं, सिर्फ ये नहीं कि उन कामों को ना करो, उनके करीब न जाओ, दूरी बना करके रखो, उनके करीब तक न जाओ। अगर ऐसा करेंगे तो उस खैर को पूरे तौर पर सेव करने में कामयाब हो सके, फिर वो खैर परवान चढ़ने में उसे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ऐसे जैसे कि खेत के अंदर किसान जब बीज डाल देता है और उस बीज के आसार उसे नज़र आने लगते हैं कि खेती के कुछ हरे पौधे निकल आए, तो आराम से घर नहीं बैठ जाता, वो खेती का चक्कर लगाता रहता है, देखता रहता है कहीं कोई ऐसी चीज़ जो उस पौध को नुकसान पहुंचाने वाली हो उस खेत के अंदर आ करके बसेरा तो नहीं बना रही है। ऐसी कोई भी चीज़ को जब देखता है तो उखाड़ फेंक देता है, दूर दूर तक ऐसी किसी चीज़ को वो वहाँ नहीं आने देता। हाँ, अलबत्ता उसे पानी देता रहता है, उसे खाद देता रहता है, उसे क़ुव्वत पहुँचाने वाली सारी चीज़ें देता रहता है, लेकिन वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता जो उसको नुकसान पहुंचाने वाली हो। तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों पर कड़ी नज़र रखना और उससे दूरी बनाना, ये ताकत पहुंचाने के बड़े अहम रास्तों में से एक रास्ता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तअआमहु व शराबहु। आप ये समझते हैं कि खाने पीने की चीज़ों को हम ना इस्तेमाल करें और मकसूद हासिल हो गया? नहीं।
जब तक कि आप इन बुराइयों के रास्तों पर पहरे नहीं बिठाएंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हैं। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से इब्ने माजा और नसई वगैरह की रिवायत सही है, रुब साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्ला अलजू, कितने ऐसे रोज़ेदार हैं कि उन्हें रोज़ा रखने के पीछे जो चीज़ उन्हें हासिल हो रही है क्या हासिल होगी, भूख, बस ये चीज़ उनको मिल रही है कि वो भूखे हैं, वो भूख उनको हासिल हो रही है उस दिन में। रुब क़ाइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने ऐसे रात में उठ करके नमाज पढ़ने वाले हैं, सलातुल लैल क़ियामुल लैल करने वाले हैं कि रात के उस क़ियाम में अगर उन्हें कोई चीज़ मिल रही है तो शब बेदारी है कि रात में ये बेदार थे, रात में ये उठे थे, रात में इतने देर तक ये जागे, लेकिन उस क़ियाम के पीछे क्या कुछ मिला उनको, इस बेदारी के अलावा कोई चीज़ उनके हाथ नहीं आई। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि जो इसके पीछे मकसूद था उस मकसूद को हासिल नहीं कर सके, रब का तक़वा भी नहीं हासिल हुआ, बुराइयों से दूरी भी नहीं बना सके, खैर की चीज़ों को अपने अंदर जगह दे करके उसका खोगर बनाने की सिफत अपने अंदर बेदार नहीं कर सके, और न ही दूरियों न ही बुराइयों और नुकसानदेह चीज़ों से दूरी बनाने की आदत अपने अंदर डाल सके। इसको एलर्जी कहें कि ऐसी चीज़ों से इंसान को एलर्जी होने लगे। एक शख्स कहेगा नहीं नहीं हमको इन सब चीज़ों से एलर्जी है, तो क्या सोने के वक्त आप जब बिस्तर पर लेटते हैं तो सबसे आखिरी चीज़ जो ज़ुबान पर या दिमाग में चलती है वो क्या चीज़ होती है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम होता है। क्या ज़ाहिरी और मानवी तहारत से हम अपने आप के उस दिन का ख़ात्मा करते हैं, ज़ाहिरी तहारत यानी वज़ू और मानवी तहारत यानी दुआएं। ज़ाहिरी तहारत यानी वज़ू बना करके हम बिस्तर पर लेटे, मानवी तहारत यानी वो कलिमात सबसे आखिर में हमारी ज़ुबान पर आते हैं जो रब्बे करीम हमसे चाहता है कि हम पढ़ें, अपनी ज़ुबान पर लाएं वो कलिमात। ये दलील है इस बात की कि वाकई हमने सियाम के ज़रिए से कुछ हासिल किया है, हमने इसके ज़रिए से दो अहम चीज़ों को अपने अंदर जगह दी है, नेकियों की आदत और बुराइयों से दूरी। नेकियों को अपने अंदर जगह देना और उसका खोगर बनाना और बुराइयों से अपने आप को दूर करना। जब तक इंसान एक ज़ाब्ते के तौर पर, यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि जब तक इंसान हालते सियाम के अलावा में, हालते सियाम के अलावा में उन चीज़ों को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल नहीं करता, हालते सियाम के अलावा में उन चीज़ों को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब नहीं हासिल करता जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे दिया है। अब देखें कि हालत सियाम में ऐसी चीज़ें जो कि आम हालात में सियाम के अलावा के हालात में उसके लिए हलाल थी, लेकिन सियाम की हालत में, रोज़े की हालत में वो ऐसी चीज़ों को रब की रज़ा के लिए, उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए, उसका नज़दीकी हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ों से दूर हो जाता है, हराम कर लेता है, उससे बचता है, हालांकि वो मुबाह हैं। हालत सियाम के अलावा में साल के 11 महीने में उन चीज़ों का खाना पीना इस्तेमाल करना वो हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त थी, लेकिन इन मखसूस अयाम के अंदर वो मुबाह चीज़ें हम उन्हें क्या बनाते हैं, हराम, उन्हें हम मुबाह अपने ऊपर कर लेते हैं। तो जब तक इंसान के अंदर ये सिफत ना पैदा हो जाए कि वो चीज़ें जो आम हालात में इंसान के यहाँ मुबाह थी और उन्हें अब वो हराम कर ले रहा है,
رب کا تقرب اور اس کا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, چاہے وہ صیام کی حالت میں ہو یا صیام کے علاوہ کی حالت میں ہو, جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے, چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو یا افعال سے ہو, باتیں بولنے سے ہوں یا کام کرنے سے ان کا تعلق ہو, جب تک ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لے گا وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا. رب کریم کا مقرب بندہ کب بنے گا؟ جب محرمات ابدیہ سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے. جھوٹ بولنا کون نہیں جانتا ہے کہ گناہ ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کا گناہ ہے. خیانت کرنا, چوری کرنا, برائی کرنا, گالی گلوچ بکنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کے ٹوہ میں پڑنا, کسی کے مال پر بری نگاہ رکھنا, کسی کی عزت, اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان عام حالات میں انہیں حرام اور ناجائز تصور کرتا ہے, عام حالات میں انہیں حرام اور ناجائز سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دی ہیں. پر کھانا کھانا, پانی پینا, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ ملنا, یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عام حالات میں جائز اور حلال قرار دی ہے. سیام یہ تصور دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ چیزیں جو تمہارے سال کے 11 مہینے کے دنوں میں حلال اور جائز تھی, اس مہینے کے دن کے اندر تم نے اسے, اس جائز کو حرام سمجھ لیا اور اس پر عمل کر رہے ہو اور پوری پابندی کے ساتھ کر رہے ہو, تو وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے, صرف یہ نہیں کہ اس مہینے کے دن کے اندر, بلکہ سارے مہینے کے دن اور رات, تمام ہی اوقات کے اندر اللہ نے حرام کر دیا ہے, ان چیزوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور اس میں ایک ٹریننگ بھی ہے کہ اگر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو آپ روک سکتے ہو تو حرام سے اپنے آپ کو روکنا یہ اس سے زیادہ آسان ہے. حلال سے رکنا یہ انسان کے لیے مشکل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا ہوا, پھر اس سے رکنا نفس پر شاق اور بھاری گزرتا ہے, لیکن وہ چیزیں جو حرام ہوں اس کے بنسبت اس سے رکنا اور اس سے دوری بنانا یہ اس سے زیادہ آسان ہے. اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ زیادہ خطرناک ہے کہ ایسی حرام چیزیں اس کی زندگی کے اندر باقی رہ جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ حالت صیام سے وہ رہے, تو گویا کہ اس نے صیام سے فائدہ نہیں اٹھایا. حلال کو حرام بنانے میں تو کامیاب رہا, پر جو ہمیشہ ہمیشہ کا حرام تھا انہیں حرام باور کرنے پر اور اپنی زندگی سے انہیں نکالنے پر وہ کامیاب نہیں رہ سکا. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, الصائم فی عبادت ما لم یغتب مسلما, روزے دار تب تک وہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کرے, او یؤذیہ, یا کسی کو اذیت نہ پہنچائے. یہ صائم کے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہ وہ کسی کی غیبت کرے, کسی کو تکلیف پہنچائے, کسی کو دکھ پہنچائے, یہ صائم کے اخلاق میں سے نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ما صام من ظل یأکل لحوم الناس, وہ تو روزے ہی سے نہیں کہ جو دن بھر لوگوں کا گوشت ہی کھاتا رہے, وہ کہاں روزے سے ہے؟ جو لوگوں کا گوشت کھاتا پھرے وہ روزے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر صحیح معنی میں اپنے روزے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو حقیقی معنی میں جو حرام چیزیں ہیں اس سے دوری بنا کر کے ہی ممکن ہے.
और जो खैर की चीज़ें हैं, जो पसंदीदा चीज़ें हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वस्फ करार देने और महबूब तरीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करके ही वो रमज़ान मुबारक से सही माने में फ़ायदा उठा सकता है। सलफ़े सालेहीन के ताल्लुक़ से बाद अहले इल्म ने नकल किया कि जब वो रोज़े से होते तो उनकी कोशिश ये होती कि अपनी ज़िंदगी के बेशतर अवकात, अपने रोज़े के बेशतर अवकात वो मसाजिद के अंदर गुजारें। इदा सामू जलसु फिल मसाजिद, कोशिश उनकी होती क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो खैर की चीज़ों को अपने अंदर दाखिल कर सकें और बुराइयों से अपने आप को बचा सकें। यानी एक ही वक्त में दो अजीम शान काम अंजाम वो दे सकें। और उनका कहना होता नहफ़ज़ु सौमना, हम अपने रोज़े की हिफाजत करना चाहते हैं। यानी ऐसा करके गोया कि रोज़े की हिफाजत इन्हीं दोनों रास्तों से मुमकिन है कि खैर की चीज़ों को इंसान अपने दिल से करीब करे, अपने नफ्स से करीब करे, अच्छी और भली चीज़ों की तरफ मायल हो और दिल दिमाग के अंदर उनका बसेरा करे। सियाम की हिफाजत का एक बेहतरीन रास्ता। दूसरा रास्ता शर की चीज़ों से दूरी बनाए, मुहर्रमात से अपने आप को दूर रखे, ये दूसरा रास्ता है। इन दोनों रास्तों ही से एक शख्स अपने रोज़े की हिफाजत कर सकता है। इसीलिए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं इदा सुमत, जब तुम रोज़े से रहो फल यसुम समुक वसुक, तो चाहिए कि तुम्हारा कान और तुम्हारी आँख ये भी रोज़े से रहें। जब तुम रोज़े से अपना दिन गुजारो तो कोशिश करो कि तुम्हारा कान भी रोज़े से रहे और तुम्हारी आँख भी रोज़े से रहे। व लिसानुक, और तुम्हारी ज़ुबान भी रोज़े से रहे। किन चीज़ों से, अनिल गीबत व नमीमा, गीबत से और चुगलखोरी से। आगे फरमाते हैं वदा अदल जार, और पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने से बचाएं। वलियकुन अलैका सकीनतुन वक़ार, और रोज़ा रखा है आपने तो आपके ऊपर सुकून और इत्मीनान की चादर तननी चाहिए, सुकून और वक़ार की चादर अपने ऊपर दराज करो। वला तजअल यौम सौमिका व यौम फितरिका सवा, वला तजअल यौम सौमिका व यौम फितरिका सवा, और रोज़े का दिन और इफ्तारी का दिन दोनों एक जैसी ना रखो। यानी आपने कुछ दिन ऐसे भी गुजारे हैं कि जिसमें आप रोज़े से नहीं थे, और ये मुबारक अय्याम आप रोज़े से गुजार रहे हैं, दोनों ही दिनों को एक जैसी आदतों के साथ आप ना गुजारें, एक ही तरीक़े के साथ ना गुजारें, बल्कि रोज़े के जब अय्याम आप गुजारें तो उसके तकाज़े को समझते हुए, खैर की चीज़ों को अपने अंदर जगह देते हुए और शर की चीज़ों से पूरे तौर पर अपने आप को बचाते हुए। वला तजअल यौम सौमिका व यौम फितरिका सवा, तो ये रोज़े के अहम तरीन आदाब में से हैं जो अहले इल्म ने ज़िक्र किए हैं। इन्हीं आदाब में से एक अदब ये है कि इंसान कसरत से सदका व खैरात करे। जाहिर सी बात है कि शर की चीज़ों को अगर उसने अपने नफ्स से दूर किया, फितना व फसाद की चीज़ों से अपने आप को अलग किया और बुरे अखलाक से, बद किरदारी से अपने आप को पाक व साफ किया, तो ऐसा इंसान बढ़ बढ़ करके नेकियां करने का जस्तजू रखेगा, खैर की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की पूरी पूरी कोशिशें करेगा, क्योंकि रुकावट वाली चीज़ों को दूर कर दिया, तबाह होने वाली चीज़ों को अपने नफ्स से अलग कर दिया,
तो अब ले दे करके उसके सामने जो चीज़ मौजूद है वो खैर की तरफ बढ़ने वाली और बढ़ाने वाली चीज़ें ही मौजूद हैं। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है या आदाब में से एक अदब बताया जा रहा है कि इंसान अगर हालत सौम से है तो कसरत के साथ सदक़ा व खैरात करें, यानी अपने माल के ज़रिए से भी अपने नफ्स के अंदर वो सिफत पैदा करे जो जुद व सखा की सिफत है, जुद व सखा की सिफत है। वलबिर वल एहसान इलन्नास, लोगों के साथ भलाई का मामला करना, हुस्न सलूक करना, और ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक के अंदर, यानी इंसान बदनी इबादत ही पर इक्तफा न करे बल्कि बदनी इबादत के साथ साथ माली इबादत को भी उसमें शामिल रखे, क्योंकि जो अच्छी आदत और अच्छी सिफात सियाम उसको अपनाने की दावत देता है, ख़ाह उसका ताल्लुक बदन से हो, ख़ाह उसका ताल्लुक माल से हो, ख़ाह दोनों से हो, इन तमाम ही खैर की चीज़ों की तरफ वो उभारता है रोज़ेदार को। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सहाबा ने ज़िक्र फरमाया, फ़लक़द काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजोदन्नास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। वकान अजवद मा यकूनु फी रमज़ान, और रमज़ान मुबारक में और दिनों की बनिस्बत आपकी सखावत बढ़ जाती थी। ही नयल्क़ाहु जिब्रील, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते, फ़युदारिसुल क़ुरआन, और आपके साथ क़ुरान मजीद का मुदारसा करते, यानी उसे सुनते और सुनाते। फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन यल्क़ाहु जिब्रील अजवदु बिल खैर मिन रीहिल मुरसला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से रमज़ान मुबारक के अय्याम में आपकी मुलाकात होती तो चलने वाली हवाओं से भी तेज़ रफ्तारी के साथ आपके अंदर ये सिफत पैदा हो जाती थी। ये कैफियत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा किराम ने नोट फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान के दिल दिमाग के अंदर अगर तहारत है, पाकिजगी है, खैर खूबी है, और उसने अच्छी और भली आदतों को अपने दिल के अंदर जगह दिया है, गंदी सिफात को अपने दिल से रुखसत करने में कामयाबी हासिल की है, तो वो बंद हाथ अपने अंदर नहीं, खुला हाथ अपने अंदर पाएगा। वो अपने जैसी हालात दीगर और लोगों को, दीगर और जो लोग हैं उनके साथ खैर खूबी के साथ, बिर और एहसान के साथ, सदका व खैरात के साथ करके वो ऐसा महसूस करेगा कि हमें हर मैदान के अंदर आगे ही आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इन्हीं अहम तरीन आदाब में से एक अदब ये है कि इंसान झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज, मार पीट, नाराज़गी, गुस्सा, और उसके आगे गुस्से के बाद के जो हालात होते हैं, उन तमाम चीज़ों से अपने आप को पूरे तौर पर दूर रखने की कोशिश करें, पूरे तौर पर, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो साइम के अंदर अगर आए और साइम अपने सौम की वजह से उस पर कंट्रोल करने में कामयाब ना हो तो सौम का जो एक अजीम शान वस्व है उसके खैर और उसकी नेकियों से वो उसे महरूम कर देगा और मुसीबतों और बर्बादियों का उसे शिकार बनाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान यौमु सौमि अहदकुम फला यरफुस, जब तुम रोज़े से रहो, जब तुम्हारा कोई दिन रोज़े के साथ में गुज़र रहा हो, फला यरफुस, तो रफस ना करो, बेहूदा गोई, रफस हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई को कहते हैं, और बुराइयों की तरफ ले जाने वाले जितने भी ज़राए और वसाइल हैं उनको रफस कहते हैं।
जिना से लेकर के और हर वो चीज़ें जो उसके लिए ज़रिया और वसीला बन सकती हैं, ये अरफस के कलमे में दाखिल है। फलाई अरफस, तो बुराइयों से अपने आप को बचाए। वला यस्खब, और जहाँ एक तरफ उसने बेहुदा गोई या बुराई और फाशो मुनकरात से अपने आप को बचाया, वहीं दूसरी तरफ ऐसी आदतों से भी अपने आप को बचाए जो कि गंवार, नादान, अक्कड़ और जाहिल किस्म के लोगों की आदतें हुआ करती हैं, महज़ब और मुसक्कफ़, तालीम याफ्ता और शरीफ़ नफ्स लोगों की जो आदतें और खसलतें हैं उससे हट करके होती हैं। कहा वला यसखब। सखब किसे कहते हैं? सखब कहते हैं ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना। तो अगर कोई शख्स कुछ ऐसे हालात से गुज़र रहा हो कि वहाँ पर लोग चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों और रोज़ेदार उनके बीच में हो, तो उनके जैसा अमल ना करें। या इब्तिदाअन ये ख़ुद किसी और के ऊपर न चीखे न चिल्लाए, उसी काम को सहूलत से, आसानी के साथ, नरमी के साथ, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, तअन्नी के साथ, सब्र के साथ अंजाम देने की कोशिश करें। सखब से बचे, वला सखब। फ़इन साब बहु अहद नौकातला, अगर कोई शख्स उसे गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है या उससे मारपीट की कोशिशें कर रहा है, फलयकुल इन्नी मरऊन साइम, तो ये कह करके जान छुड़ाए, भाई मैं रोज़े से हूँ। यानी किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। क़ुरान की इस्तलाह में आप ऐसे कहें व आरिद अनिल जाहिलीन, व आरिद अनिल जाहिलीन, कि अगर ये जाहिल जहालत पे उतर आए तो जहालत का जवाब जहालत से मत न दो, बल्कि उनको मुंह ना लगाओ, मुंह फेर लो, ऐसे महसूस करो कि जैसे वो किसी और के साथ मुखातिब हो। ज़माने जाहिलियत में लोगों का तरीक़ा यह था, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौक जहलिल जाहिलीना, अला ला यजहलन अहदुन अलैना, खबरदार सुनो, हमारे ताल्लुक़ से कोई शख्स जहालत का मामला न करे। ला यजहलन अहदुन अलैना, यानी कोई बदतमीज़ी का कोई मामला हमारे साथ न करे। फनजहल फौक जहलिल जाहिलीना, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी जहालत से बढ़ करके हम उसके साथ जहालत का मामला करेंगे। तो जहालत का जवाब जहालत से, बदतरीन जहालत से, जहालत का जवाब बदतरीन जहालत से हम देंगे। यानी अगर हमारे साथ वो बदतमीज़ी का मामला करता है तो हम और बढ़ करके उसके साथ बदतमीज़ी का सलूक और मामला करेंगे। इसको कहा जाता है बतौर मिसाल, अगर आँख दिखाए तो आँख निकाल लूँगा। यानी ये नहीं कि मैं भी आँख दिखाऊँगा, आँख निकाल लूँगा। ईंट का जवाब पत्थर से दूँगा। ये सब उसी की ताबीर है जो ज़माने जाहिलियत की थी। ईंट का जवाब पत्थर से दूँगा, क्या समझते हो? अगर तुमने ज़र्रा बराबर ऐसा और वैसा किया तो याद रखना, इस तरह के जुमले हमारी तरफ से हमारे दरमियान चलते हैं और हमको अच्छे लगते हैं। पर हमें क्या सिखाया गया? खुज़ुल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फ़ व आरिद अनिल जाहिलीन।
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. خذ العفو معاف کر نہ سیکھو، خذ العفو وأمر بالعرف. صرف معاف کرنا یہ ہے بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور رکھو کہ اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سناؤ، بتاؤ انہیں. جہاں ایک طرف معاف کرو، وہیں ساتھ ساتھ انہیں اچھی چیز سکھاؤ. جب اچھی چیز سیکھیں گے تو یہ بری چیزیں ان کی زندگی میں نہیں آئیں گی. وأعرض عن الجاهلين، اور جہالت کی جو چیزیں ان کی طرف سے آ جائیں انہیں آپ دیکھی اندیکھی کر جائیں، تب آپ ان کو کچھ سکھا پائیں گے. تو پہلے تو آپ معاف کر دیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان کے کرتوت کی طرف آپ نہ جائیں، اور انہیں سکھانے کی کوشش کریں. اور سکھانا تب سود مند ہوگا جب آپ ان کی حرکتوں کو نوٹ نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ بھی ویسے کریں گے جیسے وہ کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ بڑھ کر کے کریں. وہ أعرض عن الجاهلين، اسی لیے آگے کہا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، اگر شیطان آپ کو کچوکا دے، اچھا آپ جیسے لوگوں کے خلاف، جس آپ نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خیر ہی کیا تھا، آپ نے تو ان کے تعلق سے کبھی شر سوچا ہی نہیں تھا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، شیطان کچوکے مارتا ہے، اچھا آپ کو بھی نہیں چھوڑا ابھی تک، فلاں اور فلاں اور فلاں کو، اور آپ کا نمبر آیا. اب ایسے بڑھتے ہوئے سانپ کا سر کچل دینا چاہیے، یہاں شیطان کو چوکا دیتا ہے. وہ اما ينزغنك من الشيطان نزغ، تو اب اگر ایسی سوچ آنے لگے ذہن میں تو رب کریم نے ہمیں راستہ دیا، فاستعذ باللہ، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ رحمان کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. فاستعذ باللہ، اللہ رب العالمین کی پناہ میں جانے کی کوشش کرو تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچو. رب کی حفاظت کے بغیر تم یہ خیر کا کام نہیں کر سکتے. جو وہ امر بالعرف کا سلسلہ آپ نے جاری کیا تھا، وہ سلسلہ شیطان کو خطا ناپسند ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں سدھار آ جائے، جاہلوں کو آپ سکھا سکیں، انہیں بتا سکیں، انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کر سکیں. تو آپ دیکھی اندیکھی تبھی کر سکتے ہیں جب اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکیں. کچوکے دینے والے انسانوں میں سے آئیں، وہ کان بھر رہا، وہ کان بھر رہا، وہ کان بھر رہا ہو، مگر کسی کی طرف آپ کوئی دھیان نہ دیں، تو آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہر ایک کی باتوں کو غور سے کان لگا کر سننے ہیں، صحیح کہا آپ نے، آپ نے بھی ٹھیک کہا، تو اب کچھ کرنا پڑے گا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے پاس ان کے کچھ خاص قسم کے شاگرد تشریف لائے اور کہا، آپ نے جو ام الکتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی ہے اس کے خلاف کچھ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ہم اجازت لینے آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اس کا ہم اس کی نوٹس لیں اور اس کا رد کریں، جس کا جنہوں نے ان کی تفسیر کے خلاف اس طرح کی تحریریں لکھی ہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواباً ان سے کہا، اب آپ کے پاس کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام ہے، آپ کے پاس کرنے کے اور کام نہیں ہے، یہی کام رہ گیا ہے. ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ اس تحریر پر نگاہ ڈالو، اس میں جو صحیح ہو اس کو نوٹ کر لو، اصلاح کر لو، اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. اس میں جو صحیح ہو وہ لے لو، اور جو اس میں بہتان تراشی ہو، تہمت ہو، اور یہ ہو اور ایسا ہو ایسا ہو، اسے چھوڑ دو. مختصر سا راستہ ہے. جو اچھی چیزیں ہیں اسے لے لو، اور جو اچھی کے علاوہ چیزیں ہیں ان کی طرف دھیان نہ دو. وأعرض عن الجاهلين، تو جس نے بھی یہ طریقہ اپنایا اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی حفاظت کر لی.
और जो ऐसे लोगों से करीब रहा, सही तालीम और सही तरबियत ऐसे लोगों के ज़रिए से उन लोगों को मिलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने आप की भी हिफाजत किया और अपने उन शागिर्दान की भी हिफाजत किया, क्योंकि ज़िंदगी में करने के काम बहुत हैं और इस तरह के मसाइल में उलझने वाले कभी बड़े काम अंजाम नहीं दे सकते। तो यहाँ सिखाया जा रहा है फलियकुल इन्नी मरऊन साइम, याद कर लो तुम किस हालत से, कितनी अजीम इबादत के साथ गुजर रहे हो, क्या इस अजीम इबादत के अंदर अगर इस तरह के काम तुम अंजाम दोगे तो तुम्हें वो मकाम और वो चीज़ें हासिल हो सकेंगी जिन्हें हासिल करने के लिए तुमने इस इबादत को इख्तियार करने की कोशिश की। याद कर लो, तो बार बार याद दिलाया जा रहा है ताकि इंसान ऐसी हरकतों से अपने आप को दूर रख सके, बुराइयों से बच जाना और देखी अनदेखी कर देना ये नेकी के काम में क़ुव्वत के साथ बढ़ते हुए चले जाना है।